शिमला में सजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन, मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी हटा रही अतिक्रमण वाला हिस्सा, वैध तरीके से बने 3 फ्लोर को हटाया जा रहा। एसपी सांसद राम गोपाल यादव का सीजीआई पर विवादित बयान, सीजीआई चंद्रचूड़ को कहे अपशब्द, ऑन कैमरा दी गाली। महाराष्ट्र के पुणे में बोले थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजीआई ने दिया था बयान, सीजीआई ने कहा था भगवान ने दिखाया था फैसले का रास्ता। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता, एलएसी पर फिर से गश्त शुरू करने पर बनी सहमति, चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर पिछले कुछ सप्ताह से संपर्क में। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा हुई सख्त, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, कल हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह का क्लियर मैसेज, बोले आतंकी हमारे जवानों के सामने नहीं टिक पाएंगे, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उड़ान योजना के 8 साल पूरे, पीएम मोदी का ट्वीट, बोले उड़ान योजना ने भारत के एविएशन सेक्टर को बदल दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस आज मुंबई में सीएम शिंदे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी भी हुए शामिल, शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना हमारी प्राथमिकता, पुलिस का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएं। सीएम योगी बोले, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, गैंगस्टर एक्ट के तहत 77,811 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस स्मृति दिवस पर रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी, राज्यपाल रमन डेका ने भी दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में परेड, सीएम नायडू हुए शामिल। पुलिस स्मृति दिवस पर श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। असम में मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ, गुवाहाटी में हुआ कार्यक्रम, सीएम हिमंता भी साथ रहे। उत्तराखंड के लाल कुआं से मुंबई के लिए शुरू हुई सुपरफास्ट ट्रेन, सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के आनंद विहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, आरआरटीएस स्टेशन का किया निरीक्षण।